please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश के अलग अलग हिस्सों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ में भी अटल जी की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा श्रद्धांजलि देने वालों में यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर अटल जी की बेटी और नातिन भी मौजूद थी। अटल जी की इस अस्थि कलश यात्रा में लखनऊ के सैकड़ों लोग शामिल हुए। अटल जी की अस्थि कलश यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और खुद अटल जी की भतीजी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी अटल जी के नाम का राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही रायपुर में अटल जी की शोक सभा में बीजेपी के कई बड़े नेता हंसी ठहाके लगाते हुए दिखाई दिए थे। करुणा शुक्ला के मुताबिक अटल जी के नाम का बीजेपी चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर अटल जी के नाम का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में करुणा शुक्ला ने आरोप लगाया कि जब तक अटल जी जीवित थे तब तक उनके नाम का इस्तेमाल किया गया और अब उनकी मृत्यु के बाद भी उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, करुणा शुक्ला ने पीएम मोदी और अमित शाह को अटल जी के सिद्धांतों पर चलने की भी सलाह दी। एक बात बताइए, कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें तमाम शहर से लेके स्कूल से विश्वविद्यालय से लेके पावर प्लांट तक का नाम अटल जी के नाम पे किया गया है। देखिए, अटल जी एक दल से ऊपर उठ कर थे। अटल जी पूरे भारतवर्ष के नेता थे। मेरी पीड़ा इस बात पर ज़्यादा है, व्यथा इस बात पर ज़्यादा है कि पिछले 4.5 साल से देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं और छत्तीसगढ़ की सत्ता पर डॉक्टर रमन सिंह 15 साल से विराजमान है। इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में रमन जी को, अटल जी की और उनकी कैबिनेट को माननीय अटल जी की कभी याद नहीं आई। वो तो प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनको तो भारत रत्न मिल चुका था, योजनाओं के नाम पर कोई बंधन नहीं था, कोई किसी की आपत्ति नहीं थी, रख सकते थे। पर इनकी चालों को, इनकी कूटनीति को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इस बात से मुझे बहुत पीड़ा है और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। जहाँ तक रमन जी और छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, स्वार्थी हैं, सत्ता की राजनीति चाहते हैं और अटल जी के का सहारा लेकर इस 2018 के चुनाव की बैतरणी को पार करना चाहते हैं। पर जनता इनके इस कुत्सित इरादों को जानती है, समझती है। रायपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने वक्त रमन सरकार में कृषि मंत्री और बृजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। दोनों मंत्रियों को हंसता देख साथ में बैठे बीजेपी नेता धर्मपाल कौशिक ने उन्हें टोक दिया, क्योंकि जिस वक्त मंत्रोच्चार के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब एक दूसरे के बगल में बैठे कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ठहाके लगा रहे थे। श्रद्धांजलि सभा के समय साफ दिखा कि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने स्वास्थ्य मंत्री के कान में हंसते हुए कुछ कहा, जिसके बाद मंत्री अजय चंद्राकर खुद को रोक नहीं पाए और ठहाके लगाते हुए अपना हाथ सामने रखे टेबल पर ठोकने लगे। ये सब देखने के बाद साथ में बैठे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने आपत्ति जाहिर करते हुए मंत्री अजय चंद्राकर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें आंखों से कुछ इशारा करने लगे, जिसके तुरंत बाद दोनों मंत्रियों ने अपनी हंसी रोक ली और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक की तरफ देखकर कुछ कहने लगे। दावा किया गया कि दोनों मंत्रियों को हंसता देख सीएम रमन सिंह भी असहज हो गए। हालांकि जब बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने स्वास्थ्य मंत्री का हाथ पकड़ा तो वो दोनों गंभीर हो गए और उन्हें देखकर कुछ कहने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में मंत्रियों के ठहाके लगाने पर सियासी विवाद भी खड़ा हो गया, जिसमें पहला हमला कांग्रेस की तरफ से किया गया। शोक सभा में जिस प्रकार से दो कैबिनेट दर्जे के मंत्री हास्य मजाक उड़ा रहे थे, उसको जन जन तक, उस वीडियो को जनता तक पहुंचाने का काम और इनके चेहरे को उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस के हमले के जवाब में बीजेपी ने भी उस पर निशाना साधा। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, बातचीत हो रही थी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विषय को संज्ञान में लिया है। दावा किया गया कि श्रद्धांजलि सभा के बाद सीएम रमन सिंह और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी ठहाके लगाने पर दोनों मंत्रियों